आइए अब कथा की ओर चलते हैं आगे। महाराज नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी से सौनक जी प्रश्न किए, छह प्रश्न किए हैं। कितने कितने प्रश्न किए? छह। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न किए कि इतिहास पुराण बहुत से हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, महाराज उन ग्रंथों का सार क्या है? कलिकाल का जो मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्धता हो, मंद मती के लोग हो गए हैं, मंद बुद्धि के, मंद आयु के, तो महाराज इतना समय कहाँ है? 7 दिन तो कथा सुन नहीं पाते, जीवन बीत जाएगी इतने ग्रंथ पढ़ने में सुनने में, तो कोई सार बात बताइए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, परम कल्याण का साधन क्या है? नोट करते जाइए, परम कल्याण का साधन क्या है? तीसरा प्रश्न, महाराज ठाकुर जी क्या करने की इच्छा से धराधाम में अवतार लिए थे? चौथा प्रश्न, तीन प्रश्नों के चौथा प्रश्न, ठाकुर जी जब बलभद्र के साथ धराधाम पे आए तो कौन कौन सी लीलाएं किए? पांचवा प्रश्न, भगवान ने विभिन्न अवतार धारण किया जनहित के कल्याणार्थ, उन अवतारों की कथा सुना दीजिएगा यदि उचित जानिएगा तो। पांच प्रश्न, छठा प्रश्न क्या किए? जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए महाराज, तो धर्म कम शरणम गतः, तो धर्म किसकी शरण में गया? इन्हीं छह प्रश्नों में पूरी भागवत कह डाले सूत जी, सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद के माध्यम से। जब ये प्रश्न किए, उत्तर देने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं सूत जी, लेकिन भर आई आंखें, भाव विभोर हो गए, गुरुदेव की याद आ गई कि पूज्यपाद गुरुदेव जी कितना अच्छा कथा करते, कितना अच्छा सुनाए। सुखदेव जी की वंदना की। सुखदेव जी कौन है? सूत जी के गुरुदेव हैं। जब परीक्षित को कथा सुनाए थे सुखदेव जी, जब परीक्षित को कथा सुनाए थे तो उसी कथा के बीच सूत जी भी विराजमान थे, तो सूत जी अपने पूज्य गुरुदेव जी को याद कर रहे हैं। आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव की वंदना करें, क्योंकि गुरु तत्व तो एक ही होता है। करता करे न कर सके, गुरु किए सब सप्तदीप नोतवे, गुरु से बड़ा को सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव राम आपके चरणों में, आपके चरणों में आइए
अपने अपने गुरु भगवान को सभी मनाएं, सभी प्रणाम करें। जिसने गुरु बना रखे जरा हाथ उठाइए, किस किस ने गुरु बनाए हैं और जिनने नहीं बनाए हैं वो इसलिए हाथ उठा करके ताली बजाएं। कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम तनुजारु मर्दनम देवकी परमानंदम। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान को अपना गुरु समझ करके दोनों हाथ उठा के ताली लगा कर गाएं मेरे साथ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। शंकर भगवान आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु बिहारी गांव के भक्त हैं, धन्य भूमि जहां सरसरी धारा मां गंगा का तट है, बड़े भक्त हैं यहां पर। तो आइए मेरे साथ भगवान के इस भजन में मेरे साथ आप भी जरा गाइए, सभी ईमानदारी से गाएंगे। आप मिलाते आप मिलाते हैं ईश्वर से, ऐसे गाएं। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप विभाग विधाता है। आनंद नहीं आया, जरा सीधे सीधे हाथ उठाइए, सीधे सीधे हाथ उठाना जिन्हें भूख लग रही हो। ये तो भूखे पेट की आवाज है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप विभाग विधाता है। आप मिला
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी की वंदना किए तम प्रभजन मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज हाव पुत्रेत तन्मय तया तरवो भिने दोस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तो सुन। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रभजंतम, यहाँ पे प्रजंतम भी कहा जा सकता था, प्र उपसर्ग लग गया। यहाँ पे प्र उपसर्ग लगाने का क्या मतलब है? जो जन्म लेते ही ब्रजंतम चले गए तो प्रब्रजंतम क्यों कहा? उपसर्ग लगने से विशेषता हो जाती है, अर्थ विशेष हो जाता है। चले तो गए लेकिन बिल्कुल ही चले गए, माया मोह जीवन में नहीं सताया, ऐसा छोड़ के गए। इसलिए यहाँ पे ब्रजंतम न लगा के प्रउपसर्ग लगा के प्रब्रजंतम कर दिए। हाँ, जाने में क्या कमी थी क्या? हाँ, जाने में ये कमी थी कि हो सकता है वापस आ जाते, तो प्रब्रजंतम मतलब माया मोह छोड़ के गए तो अब वापस आने वाले नहीं है। यम प्रब्रजंतम अनुपेतम, अपेत कृत्यम, जो बिल्कुल चले गए। हाँ, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे सुखदेव जी। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि सुखदेव जी अच्छा 12 वर्ष, कई बार महाराज जी बताए आखिर बात क्या है, 12 वर्ष कैसे रहे, क्यों रहे? भागवत जी में सुखदेव जी का तो है वर्णन, ये है कि रहे गर्भ में, फिर ये वर्णन है कि जन्म लेते ही चले गए। लेकिन कैसे गर्भ में आए थे, कौन थे, इसका तो वर्णन नहीं है। लेकिन नाम तो है सुखदेव जी का, कथा तो यही सुनाए थे। तो महाराज आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि क्या सुखदेव जी का चरित्र थोड़ा मिल जाता। सुखदेव जी आखिर कौन थे, क्यों 12 वर्ष आए गर्भ में, जिज्ञासा रहती है प्रायः। भागवत जी में तो प्रसंग नहीं है यह, लेकिन आप लोग अगर अनुमति दें, आप लोग अगर जिज्ञासु हो सुनना चाहें तो सुनाया जा सकता है इस व्यास गद्दी से। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं सुखदेव जी के विषय? अच्छा, सुखदेव जी गोलोक धाम के तोता थे, राधा रानी अपने कर कमल पे अनार के लाल लाल दाने रख के सुख को खिला रही है। बड़े ही भक्त हैं, राधा रानी के पास आते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधा रानी बोलती है कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो सुकरे, ये है प्रेम। और कृष्ण के पास सुखदेव जी जाते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं राधे कहो राधे कहो राधे कहो सुकरे, राधे राधे बोलो राधे राधे, ये है प्रेम। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सब कार्य करता है, और हम लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। कहां प्रेम है? ये तो वासना हुई। प्रेम में प्रेमास्पद के लिए कार्य किया जाता है, वासना में अपने लिए कार्य किया जाता है। ये है प्रेम और वासना में फर्क, अंतर क्या है? वासना में अपने लिए लोग करते हैं, अब प्रेम प्रेमास्पद के लिए करते हैं जो करते हैं।